अनादर डे अनादर ट्राई ऑन वीडियो और आज मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आई हूं जो आप लोगों ने मुझे बोला था कि मुझे ट्राई करना चाहिए सो so, वो तो है ही अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सम मोर न्यू प्रोडक्ट्स एक्चुअली न्यू नहीं है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जो मार्केट में काफी टाइम से थे बट मैंने उनको आज पहली बार ट्राई किया है सो so, अगर आप जानना चाहते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले देन वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स बिकिन स्टार्टिंग में द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसके लिए आई थिंक मेरे हर वीडियो पे मुझे एक कॉमेंट आता है है, वो है कि मैं फॉर एवर का टेंडर फाउंडेशन क्रीम कब ट्राई करने वाली हूं सो so फाइनली वो मुहूर्त आ गया और आज मैंने इसको ट्राई आउट किया दिस इज फॉर एवर टेंडर क्रीम जो मैंने शेड लिया है वो है एच सी टी जीरो बीज वैक्स ऑनस्टली बताऊं जब मैंने इसको खोला तो मुझे लगा यार ये शेड तो मेरा मैच नहीं होने वाला बिकॉज काफी ऑरेंज लग रहा था पैन में बट व्हेन आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग इट आउट इट वाज अ परफेक्ट मैच थैंक गॉड क्योंकि ये सस्ती नहीं है दिस इज वेरी एक्सपेंसिव ये रिटेल करती है फॉर नाइन 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 रुपीज एंड आई थिंक आई पेड लाइक द दिस प्रोडक्ट कहीं पर भी डिस्काउंट पे नहीं थी आई गॉट माइन फ्रॉम एमेजोन एंड जितने दिखाने वाली ना मैं सारे एमेजोन से लिए हैं लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी थिंक इज पैकेजिंग है वो रिजेंबल करती है एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट से विच इज दिस वन मुझे इसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता आई थिंक डी एम करके ब्रांड का नाम है वेल इट्स ओके दैट्स नॉट एक्सेबल टू अस एनी विच वे एंड फॉर एवर फिफ्टी टू ने ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्किन बाम कह सकते हो निकाला है दिस इज हाउ इट लुक्स इन द पैन काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग है ये फर्स्ट ऑफ ऑल एंड क्योंकि ये एक यू नो क्रीम है तो आप इसको फाउंडेशन के साथ साथ एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हो मैंने अपने फेस पे इस को हाफ साइड पे फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड किया और हाफ साइड पे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया है एंड आई फील दोनों ही तरीके से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है इट्स जस्ट दैट मुझे ऐसा लगा कि फिंगर्स की हेल्प से ना ये बहुत अच्छे से स्किन के अंदर मेल्ट हो रहा है एज विद ब्रश ये ऊपर ऊपर ही अप्लाई होगा इसकी पैकेजिंग में आपको यहां पर एक स्पैचुला मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्ट को इसमें से निकाल सकते हो अगर आप अपनी फिंगर या ब्रश का यूज नहीं करना चाहते इट विल गिव यू ऑलमोस्ट फुल कवरेज आप इसको लेयर भी कर सकते हो आसानी से मैंने लिटरली इस साइड पे दो या तीन बार ले

ऑली स्किन और आप इसको फिर भी यूज करना चाहते हो देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप अंडर आइस पे स्पेसिफिकली बेक जरूर करना और पाउडर अच्छे से अप्लाई करना टू सेट इट नाइसली बट फॉर ड्राई स्किन गर्लीज आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट और अगर आप इसको लेने के बारे में सोच रहे थे गो अहेड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एक्चुअली टेंडर क्रीम से पहले मैंने यूज़ किया था ये दिस इज़ हाइफन का वाइटमिन इन्फ्यूज पेप्टाइड ड्यूई प्रेप एंड इसके अलावा मैंने और कुछ भी अपने फेस पे यूज़ नहीं किया था आज प्रेप करने के लिए ये ना एक सीरम लाइक कंसिस्टेंसी का है एंड आई थिंक दिस इज़ ए सीरम इस पर कहीं भी कुछ ढंग से मैंशन नहीं है कि ये एक्चुअली में क्या प्रोडक्ट है हाउएवर दिस हेज़ मल्टी वाइटमिनस पेप्टाइड्स एट ब्लैक करंट ऑयल है इसमें लिक्वरिश एक्सट्रैक्ट है एंड दिस विल सूट ऑल स्किन टाइप्स एंड आई फील दैट येस दिस विल सूट ऑल स्किन टाइप्स बिकॉज ये ऑयली ग्रीसी नहीं है बिल्कुल भी एकदम से अब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में एंड एक हाइड्रेशन और एक ग्लो देता है विच आई लाइक एंड इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन यू विल नॉट फील हैवी एंड इसके ऊपर डायरेक्टली मैंने ये टेंडर क्रीम यूज किया था इसलिए भी मैंने आज स्किन पर और कुछ नहीं अप्लाई किया बिकॉज आई न्यू ये एक क्रीम प्रोडक्ट एंड हो सकता है कि ये हैवी फील हो मुझे इसीलिए आई वेंट ऑन रियली लाइट हैंडेड मेरे प्रेप में एंड दिस परफॉर्म्ड रियली वेल सरप्राइजिंगली इसने काफी अच्छे से परफॉर्म किया एंड आई एम ट्रोली हैप्पी विद दिस ये रिटेल करता है फाइव नाइन्टी नाइन का और आपको इसमें मिल जाता है फिफ्टी एम एल प्रोडक्ट मेरी अगर मानो तो आई फील दैट दिस इज ए हाइब्रिड बिटवीन अ मॉइस्चराइजर एंड अ सीरम तो आप सीरम और मॉइस्चराइजर दोनों स्टेप स्किप करके डायरेक्टली सिर्फ इसको लगा सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई ऑर सनस्क्रीन ऑन टॉप ऑफ दिस एंड यू आर गुड टू गो बिकॉज मानसून में एंड समर में स्पेसिफिकली आप बहुत ज़्यादा लेयर करना नहीं चाहते एंड उसके लिए ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट है एंड आई एक्चुअली लाइक डिट अपने फेस को मैंने सेट करने के बाद मैंने यूज़ किया ये ये है रेवोल्यूशन का सुपर ब्राउनजअप पाउडर दिस इज इन द शेड गोभी ब्रॉन्जर इफ़ एम नॉट रॉन्ग स्क्रीन पे मैं एग्जैक्ट नाम मेंशन कर दूंगी ये थोड़ा सा आई वो इट्स नॉट ऑरेंज बट इट्स नॉट कूल टोन एकदम परफेक्ट शेड ऑफ ब्राउन है फॉर ब्रॉन्जिंग एंड मैंने कंट्रोल नहीं किया है सिर्फ ब्रॉन्जअप के अपने फेस को आई ऑल्सो यूज इट अपने जॉ लाइन पे टू जस्ट काविट आउट टू क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ शेडो आई नो ब्रॉन्जर्स को शेडोज के लिए यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर वॉर्म बट यू नो आई डू दिस ऑल द टाइम सो मैंने इसी को यूज़ कर लिया ऑनेस्टली बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छे से स्किन के अंदर मेल्ट हो गया अच्छे से ब्लेंड हो गया आज मैंने कोई भी क्रीम प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ नहीं किया एवरीथिंग इज पाउडर सो या मैंने अपने फेस को अच्छे से पाउडर सेट करने के बाद ही इसको यूज़ किया बहुत ही अच्छे से ये पूरे फेस पर डिफ्यूज़ हो गया एंड आई लाइक हाउ इट लुक ऑन माई फेस इसका कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड इट्स वेरी नाइस एंड स्मूद टेक्सचर बहुत फाइनली मिल्ड है एंड जो ब्रश मैंने इसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था वो था एफ जीरो टू फाइव ब्रश फ्रॉम कप्सन एंड लैशेज जो कि एक फ्लैट टॉप ब्रश है एंड बहुत ही अच्छे से ये ना

एंड द ब्लश इज़ फ्राम रोमैंड ये है रोमैंड ब्लश इन द शेड सी जीरो थ्री बेटर देन चीक ब्लशेज पैन में देख लो कितना हल्का कलर लग रहा है बट द मोमेंट आई स्टार्टड अप्लाइंग इट ऑन माई चीक आई वॉज लाइक वॉट द हेल कलर आ कहाँ से रहा है बिकॉज पैन में तो कोई कलर ही नहीं है दे आर एक्सट्रीमली पिगमेंटेड एक्सट्रीमली ब्लेंडेबल एंड बहुत ही सुंदर लगते हैं दिस इज वॉट आई हैव ऑन माई चीक्स एंड आप देख सकते हो इतना प्यारा सा कोरली पीची कलर है

वॉज सो रॉन्ग इट एक्चुअली शोड अप ऑन माई स्किन एंड इन फैक्ट अगर आप मुझसे दो तीन शेड डार्क भी होना तो भी ये आपके ऊपर दिखेगा आई फील दैट दे आर एक्सट्रीमली पिगमेंटेड नेक्स्ट आई ट्राई दिस आई शेडो पैलेट फ्रॉम रोमांट रोमैट का मैंने पहले भी एक आई शेडो पैलेट ट्राई किया है एंड आई एब्सोल्यूटली लव डिट एंड ये वाला ऑल मैट आई शेडो पैलेट है दिस हैज लाइक वेरी ब्यूटिफुल टोन कलर्स कूल टोन न्यूड्स हैं इसमें एक आध वेड भी मिल जाता है सो यू नो यू कैन एक्चुअली बिल्ड एंड क्रिएट

इतना पिगमेंटेड ओ माय गॉड एंड आई क्रिएटेड द इंटायर विंग विद दैट डार्क ब्राउन शेड इनफैक्ट उस डार्क ब्राउन शेड को आप अपनी आईब्रोज फिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने यूज़ किया है ओवरऑल यू नो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन एवरीडे मैट पैलेट एंड इफ यू वांट टू स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ योर मनी एंड आपको पिगमेंटेड आई भी चाहिए मैट में जो कि न्यूट्रल टोन्स में हो देन यू कैन गो फॉर दिस बिकॉज ये थोड़ा प्राइसी है दिस रिटेल्स फॉर सेवनटीन नाइनटी नाइन इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट द पिगमेंटेशन इज टॉप नॉच इनका जो टेक्स्चर है ना इट इज़ अमेजिंग दे आर स्मूद लाइक स्मूद एंड ये बहुत ही ईजिल आपके आइज पे ब्लेंड हो जाएंगे हाईली रिकमेंड दिस अगर आप एक मैट न्यूट्रल आई शेडो पैलेट देख रहे हो ऑल राइट नेक्स्ट वी हैव इज ए लिपस्टिक जो कि मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाहती थी बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग दैट दे हैव बिन डूइंग एंड आई फील कि अगर ये उस तरीके से उसको मार्केट ना करके नॉर्मली मार्केट करते आई वुड हैव अप्रिशिएटेड इट इवन मोर आई एम टॉकिंग अबाउट टिप्सी ब्यूटी की ऑन एंड ऑफ लिपस्टिक दिस इज़ ए लिपस्टिक एंड एन इरेजर

कोरली पिंक शेड है फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन बहुत ही सुंदर कलर है ऑन इट्स ओन इट्स अमेजिंग देन ऑन दी अदर साइड यू गेट योर ग्लॉस ना हेयज अ ग्राउंड रूल अगर आप मैट लिक्विड लिपस्टिक के ऊपर एक ग्लॉस लगाते हो नॉट जस्ट दिस ग्लॉस यू अप्लाई एनी ग्लॉस वट विल हैपन क्योंकि वो ग्लॉस है तो आपकी मैट लिक्विड लिपस्टिक को ब्रेक डाउन कर देगा एंड अगर आप इसको वाइप ऑफ करना चाहो थोड़ी देर के बाद तो ये आल्फान से वाइप ऑफ कर सकते हो आपको उसके लिए स्पेसिफिकली ये खरीदने की जरूरत नहीं है बिकॉज सिंस दिस सेज की आपकी लिक्विड लिपस्टिक और इरेजर है ये ये एक इरेजर नहीं है दिस इज ए नॉर्मल ग्लॉस जो कि आप अपने लिपस्टिक के ऊपर लगा सकते हो विल गिव यू अ ग्लॉसी शाइन जैसे कि अभी आपको दिख रहा है मैंने इसको एज अ ग्लॉस लगाया हुआ है नाउ इफ आई वॉन्ट कि मुझे अपनी लिपस्टिक हटानी है इट विल बी इजी फॉर मी टू वाइप इट ऑफ बिकॉज इसने मेरी लिपस्टिक को ब्रेक डाउन कर लिया है सो दैट्स जस्ट बेसिक केमिस्ट्री अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो यू शुड गो फॉर दिस बिकॉज ये शेड इतना ज्यादा सुंदर है एंड नॉट जस्ट द शेड द फॉर्मुला इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड जो लिक्विड लिपस्टिक है ना मैट साइड वाली उसका फॉर्मुला बहुत अच्छा है बहुत लाइट इट्स काइंड ऑफ नॉन ड्राइंग ऑलसो लाइक बहुत ज्यादा ड्राई नहीं किया उसने मेरे लिप्स को एंड अगर आपको एक ग्लॉसी फिनिश चाहिए जस्ट यूज द ग्लॉस साइड एंड यूल गेट दिस ग्लॉसी इफेक्ट आई लाइक द लिपस्टिक ओके द लिपस्टिक इज रियली रियली गुड बट एज आई मैं दिस इज़ नॉट एन इरेजर इट्स जस्ट अ क्लियर लिप ग्लॉस तो ये तो हो गए सारे मेकअप एंड स्किन केयर अब आ जाते हैं कुछ फ्रेगरेंसेज पे आई जस्ट रिसेंटली शॉप फॉर सम न्यू फ्रेगरेंसेस सबसे पहली है ये दिस इज़ एंगेज परफ्यूम स्प्रे इन डब्ल्यू टू एंड गाइज दिस लिटरली स्मेल लाइक प्लम की जो वनीला एंड कैराम वाली फ्रेगरेंस है ना उसके जैसी है इट इज़ स्ट्रोंग इट इज़ आई फील ऑलमोस्ट सिमिलर टू सोल्ड जुनेर वन इट्स प्रेटी स्ट्रोंग एंड गेस वॉट दिस ह्यूज बॉटल इज नॉट फॉर ट्वेंटी थ्री हंड्रेड दिस इज़ फॉर जस्ट टू थर्टी रुपीज़ एंड उस पर भी मुझे डिस्काउंट मिला है सो so, अगर आप सोल्ड जुनेर या प्लम यूज़ करना चाहते थे बट दोनों ही आपके पॉकेट से बाहर थे अब प्लम वाला तो थो थोड़ा सा अफोर्डेबल है भी बट आपको उतने भी पैसे नहीं खर्चने देन गो फॉर दिस वन दिस इज जस्ट फॉर टू थर्टी रुपीज़ एंड इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक दैट लास्ट परफ्यूम वीडियो में मुझे कम से कम पाँच कॉमेंट्स आए थे कि मुझे बेला वीटा का हनी ऊद ट्राई करना चाहिए सो so, आई एक्चुअली गॉट इट क्योंकि ये बड़ा वाला क्यों लिया मैंने पहली चीज क्योंकि मैं सबको रिकमेंड करती हूँ छोटा लिया करो बिकॉज छोटा वाला तीन सौ समथिंग का था और ये बड़ा वाला फाइव हंड्रेड समथिंग का था वॉज लाइक like, बड़ा लिया जाए ना जब ज्यादा फर्क नहीं है प्राइस में सो दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक आई लाइक द पैकेजिंग ओके दिस इज अ वेरी रिफ्रेशिंग फ्रेगरेंस अब बहुत सारे लोगों को ये माइग्रेन नहीं देगी ट्रस्ट मी ऑन दैट ये वाली फ्रेगरेंस हो सकता है कुछ लोगों के माइग्रेन को ट्रिगर कर दे क्योंकि ये हैवी फ्रेगरेंस है बट दिस वन इज़ वेरी फ्रेश एंड थोड़ा सा ना जैसे कैसे बोलूँ है पान की फ्रेगरेंस होती है ना बॉर्डर लाइन दैट इट्स नॉट पान इट्स नॉट पान बट इट्स बॉर्डर लाइन दैट एंड इट हैज़ दैट ब्यूटिफुल ऊद इट इज़ डिलिशियस अमेजिंग बहुत ही सुंदर फ्रेगरेंस है ये भी एंड थैंक यू फॉर रिकेमेंडिंग दिस बिकॉज ये काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी डिफरेंट फ्रेगरेंस है एंड मेरे पास अभी तक कलेक्शन में ऐसी फ्रेगरेंस नहीं थी एंड आई फील कि ये वाली फ्रेगरेंस ना मुझे माइग्रेन नहीं देगी बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट एंड माइल्ड अनलाइक दिस वन विच इज़ हैवी ये वाला जो फ्रेगरेंस नॉट जस्ट दिस चाहे मेरे पास सोलडी जनरो है वो भी मैं यूज़ करती हूँ और कैरेमेलो भी यूज़ करती हूँ समटाइम्स जब मेरा माइग्रेन आ ही रहा होता है जैसे अभी रिसेंटली मैं आई एम इन दैट और वाला फेज मेरे को बीच बीच में माइग्रेन के वो एपिसोड्स हो रहे हैं पिछले दो तीन दिन में उस टाइम पे अगर मैं इस टाइप की फ्रेग्रेंसेज को स्मेल करती हूँ ना देन दिस विल ट्रिगर माय माइग्रेन बट ऑन नॉर्मल डेज जब मेरे को आई एम ओके आई कैन एक्चुअली वेयर दिस सो दैट वॉज एवरी थिंग दैट आई ट्राइड आउट रिसेंटली सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको मेक शोर टू चेक दैट आउट ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स की वॉट यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस प्रोडक्ट आई एब्सलूटली लव्ड फॉर एवर फिफ्टी टू का ये टेंडर क्रीम इट वॉज अमेजिंग आई लव बेला हनी ऊथ दैट वॉज ऑल्सो अमेजिंग ओवरऑल दिस वॉज अ सक्सेस न्यू लॉन्च ट्राई ऑन लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चेकआउट कर लेना अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू चेकआउट दिस वन आईम श्योर ये भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा एंड आई विश यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन टेक केयर बाई